अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं मटन का कोफ्ता बना रही हूँ। थोड़ी सी ये डिफरेंट स्टाइल में है। सो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, बनाते कैसे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर मटन मैंने ले लिया है, ये कीमा किया हुआ था तो मैंने ये मटन है। एंड इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैं रेड चिली पेस्ट, दो तीनों चीज़ मिक्स करके रखी थी, तो 1 टेबल स्पून अच्छे से ले लेना है। एंड नेक्स्ट इसके बाद टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, क्यूमन पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, और आप सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। जितना आपको ज़रूरत हो उतने उस हिसाब से आप सॉल्ट ले लीजिएगा। और यहाँ पर आपको कॉर्न बेसन या फिर सत्तू, कुछ भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले लेना, तो वो आप 1 टेबल स्पून ले लेना, ठीक है। मेरे पास सत्तू अवेलेबल था तो मैंने सत्तू डाला इसमें, तो 1 टेबल स्पून मैंने सत्तू लिया, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई स्पून से नहीं मिक्स करना है, यहाँ पर आपको अपने हाथों से ही मिक्स करना है। और 1 टेबल स्पून आपको मस्टर्ड ऑयल ही लेना है। अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं रहा तो आप असली घी, देसी घी जिसे कहते हैं, आप लीजिएगा। और नेक्स्ट इसे अच्छे से अराउंड 5 मिनट्स तक अच्छे से मिक्स करें। ये मटन के अंदर मिन्स मसाला सॉल्ट सब जाना चाहिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट आपको कोफ्ता बनाना है, छोटे छोटे साइज़ का राउंड राउंड शेप देना है इस तरीके से, तो ये बॉल्स बनाना है आपको, तो ये अराउंड 6 to 7 बॉल्स बनेगा, तो इस तरीके से बॉल्स बना के रख लेना है। तो यहाँ पर मेरा बॉल्स ऑलमोस्ट होने वाला है, तो इस तरीके से बन चुका है। नेक्स्ट मसाला का तैयारी करना है, तो यहाँ पर मैंने 2 ऑनियन ले लिया है जिसका 3 का पेस्ट मैं बनाऊँगी, 4 पीस करके है तो 3 पेस्ट बनेगा, 1 क्यूब्स बनेगा। कैप्सिकम है, 1 कैरेट का मैं ग्रेट कर ली थी, कोरिएंडर लीव्स है, टमाटो है, रेड चिली है, और थोड़ी सी मैंने फाइन चॉप ऑनियन और कोरिएंडर बनाने के लिए मैंने ऑनियन 3 ले लिया है, 3 पीस ऑनियन ले लिया है, टमाटो 2 पीस ले लिया है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटो ऐड कर लिया है। अब यहाँ नेक्स्ट मैं रेड चिली, 3 रेड चिली ले रही हूँ, फिर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, इसमें भी रेड चिली थोड़ा ऐड की थी मैंने, क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, दालचीनी 1 थोड़ा सा लेना है, ब्लैक पेपर, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम 1-1 लेना है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर लेना है। तो ये सारे मैंने गरम मसाले ले लिए हैं। अब मैं 1 टेबल स्पून पॉपी सीड ले रही हूँ। पॉपी सीड जो पेस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है उसे पेस्ट बनने में, तो यहाँ पर पॉपी सीड 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका पेस्ट, फाइन पेस्ट बना लेना है। नेक्स्ट एक मैंने पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल ले लेती हूँ, तो ऑयल ज़्यादा ना ले, 2 टेबल स्पून ऑयल ले, उसे पूरे पैन में स्प्रेड हर तरफ चला जाना चाहिए ऑयल। एंड ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, अच्छे से हीट करना चाहिए, और जितने कोफ्ते हैं वो आप अपना कोफ्ते सारे, जब आपका तेल अच्छे से हीट हो जाएगा तो सारे कोफ्ते उसमें डाल देना और अच्छे से फ्राई कर लेना, लो फ्लेम में हल्का सा फ्राई करना, लो टू हाई फ्लेम में। हो जाने के बाद आप अपना कोफ्ते को निकाल लेना। तो कोफ्ते लाल हो चुके हैं और मैं सारे कोफ्ते को एक बर्तन में शिफ्ट कर दे रही हूँ धीरे धीरे करके, और इसी पैन में, इसी ऑयल में मैं थोड़े से ऑनियन और कैप्सिकम जो मैंने सॉस में कट किया था, तो पहले मैं कैप्सिकम को सौते करूँगी, उसके बाद मैं ऑनियन को करूँगी, क्योंकि ऑनियन तुरंत हो जाएगा, कैप्सिकम में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैप्सिकम को थोड़ा सा कर लेती हूँ इसी ऑयल, कैप्सिकम हो गया है, अब मैं ऑनियन ऐड कर लेती हूँ। कैप्सिकम को निकालना नहीं है, साथ ही कर करके हटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का सौते हो गया, इसे मैं एक बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। और नेक्स्ट एक पैन ले लेना है या कढ़ाई आपके पास हो, जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो आप ले लेना, और ऑयल ले लेना, ऑयल अच्छे से लेना है क्योंकि मटन कोफ्ता बन रहा है तो थोड़ा सा ऑयल की ज़रूरत है।
पेस्ट ऐड कर देना, जो जो पेस्ट मैंने बना के रखा था थोड़े से वो। वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी सॉल्ट नहीं दिया है, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अभी आपको फ्लेम लो करके रखना है, और जब तक आपका ऑयल मसाले के ऊपर तक नहीं आए तब तक आपको इसे फ्राई करना है। तो अराउंड 5 to 7 मिनट्स लग जाएगा इसे फ्राई करने। ये जब आपको ऑयल ऊपर दिखेगा तब आप इसमें सॉल्ट डालिएगा। सॉल्ट आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सॉल्ट देने के बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पर शुगर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। ये टेस्ट को इन्हेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, और इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, ठीक है, और इसे अच्छे से मिक्स करके जितना भी आपको ग्रेवी रखना है आप उतना ग्रेवी रख सकते हैं। और इसे लो फ्लेम में हल्का सा दम करूँगी, उसके बाद सारे कोफ्ते इसमें और सारे कोफ्ते ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं कैप्सिकम और ऑनियन को भी इसमें ऐड कर दूंगी, और ग्रेवी का जो सॉल्ट है वो कैप्सिकम और ऑनियन के अंदर तक जाना चाहिए, ठीक है। और जो फाइन चॉप किया हुआ मेरा ऑनियन और कोरिएंडर लीव्स था वो भी साथ ही साथ डाल दूंगी, ठीक है। और ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए आप कैरेट जो कद्दूकस करके रखी थी मैं वो डालना है, और कोरिएंडर लीव डालना है। तो ये ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद आप इसे इसका फ्लेम बंद कर देना, और जब आपको सर्व आप गार्निशिंग में कैरेट का यूज़ करिएगा। तो अभी यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद मैं कैरेट ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। सो मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।